मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कंडगी से। कंडगी जनपद सीईओ कर रहा है मनमानी, बिना सोचे समझे तुगलकी फरमान करता है जारी। जनपद पंचायत कंडगी मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद शुक्ला और अपनी हिटलर शाही चलाकर बेकॉफ मनमर्जी तरीके से व्यवहार अपनाया जा रहा है, जिससे समस्त कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि गण नाराज चल रहे हैं। उनके द्वारा हर किसी को जरूरत से ज्यादा ज्ञान बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद शुक्ला ने जब से कटंगी जनपद पंचायत का कार्यभार लिया, उस दिन से उनके द्वारा निज निवास क्षेत्र के आसपास स्थानांतरण के लेकर बयान सामने आ रहे हैं। उनको जनपद पंचायत कंडगी में काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। योजना के प्रचार प्रसार हेतु पॉम्पलेट में नाम देने पर सचिव एवं सहायक सचिव को कारण बताओ नोटिस। विकास यात्रा को बदनाम करने की साजिश रच रहे सीईओ। प्रति जोड़े पर 20 लोगों को भोजन, शेष लोगों को प्रवेश निषेध। पूर्व में भी आयोजित हुए विवाह कार्यक्रम मिली थी अपार सफलता। कार्यरत यथावत रखकर ग्राम पंचायत आंजन बिहारी को सौंपी जाए जिम्मेदारी। वित्तीय अनियमितता को लेकर पूर्व में निलंबन की कार्यवाही झेल चुका है कटंगी जनपद सीईओ। जनपद पंचायत कटंगी सीईओ के खिलाफ 17 को होगा धरना प्रदर्शन। मामला सामूहिक विवाह तिथि को स्थगित करने का। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस खबर के माध्यम से। सुप्रीम पावर न्यूज से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। मैं दीपक पुष्पतोड़े, ग्राम आंजनबिहारी सरपंच और सरपंच संघ उपाध्यक्ष बालाघाट, और आगामी 28 फरवरी को ग्राम आंजनबिहारी में गवर्नमेंट के द्वारा जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो कार्यक्रम होने वाला था, उसको हमारे कटंगी जनपद पंचायत सीईओ के लापरवाही के कारण और गलत फरमान के कारण उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें समस्त लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने पत्रिका छाप चुके, अपनी व्यवस्था बना चुके और एडवांस में जो राशि खर्च कर चुके, और जिसके लेकर हम लगातार परेशान हो रहे हैं। लोग हमको जवाब पूछ रहे कि भैया कैसा होगा, क्या होगा। इसी के विरोध में हमारे सीईओ जनपद पंचायत कटंगी इनके विरोध में आगामी 17 फरवरी 2023 को जनपद पंचायत कटंगी में हम समस्त लोगों के साथ, समस्त जनता के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका तीव्र विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? रागिनी सुहागपुरे। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पुलपुट्टा। अच्छा, आंजनबिहारी में जो शादी हो रही है 28 फरवरी को, अगर चर्चा चल रही है कि वो तारीख आगे बढ़ रही है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तारीख आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा डेकोरेशन वालों को और कार्ड वार्ड छपवा के हो गया है। अगर तारीख आगे बढ़ती तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, तो मतलब तुम चाहते हो कि तारीख यथा उतरे हैं? हाँ, तारीख आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। मैं दुर्गेश रमेश और ग्राम बड़पानी है। उनका आंगनबिहारी में कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि उसकी तारीख चेंज करने में आ रही है। हमारे सीईओ साहब जो कि तारीख चेंज कर रहे हैं। हमारी शादी की पूर्ण तैयारी हो चुकी है, डीजे डेकोरेशन से सबसे लेके हमने सबको एडवांस दे चुके हैं। हमारी भरपाई अब कौन करेगा? ये तो जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। सर, मैं रोशनलाल मिश्राम आंजनबिहारी का निवासी हूँ और मेरी लड़की की शादी सामूहिक विवाह में करने का निर्णय हम लोगों ने लिए थे और पत्रिका भी हम लोगों ने सर बांट दिए है, और अभी ऐसा सुनने को मिला है कि तारीख बढ़ा दिए है। सर, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, आप ही बताओ, और सब लोग परेशान है सर। पूजा सोनवाली से कुलपुटा की रहने वाली हूँ। हाँ। अच्छा, तो जो 28 तारीख की जो शादी है और प्रशासन द्वारा जो उसको आगे बढ़ाने की जो चर्चा चल रही है, उसके बारे में क्या विचार है आपके? 28 तारीख को होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेकोरेशन वालों को और पत्रिका छाप के हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।